दुनिया के कई देशों में पुलिस के संबंध में बहुत अच्छी छवि की खबरें आते रहती हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, फिल्म बनेगी तो उसमें सबसे भद्दा चित्रण किसी का किया जाता है तो पुलिस वाले का किया जाता है। अखबार अगर फरे पड़े देखें तो उसमें भी भद्दे से भद्दा किसी का चेहरा बना दिया जाता है तो पुलिस वाले का बना दिया जाता है। और उसके कारण समाज में जिस प्रकार की सच्चाई पहुंचनी चाहिए, इन दिनों सोशल मीडिया के कारण हमने कोरोना कालखंड में देखा, यूनिफॉर्म में, पुलिस के यूनिफॉर्म में काम करने वाले लोग, उनकी कई वीडियो बहुत वायरल हुई। कोई पुलिस वाला रात को निकलता है, कोई भूखा है उसको खाना खिला रहा है, किसी के घर में लॉकडाउन के कारण दवाइयां नहीं है तो पुलिस के लोग दो मोटरसाइकिल पे जाकर के उनको दवाई पहुंचाते हैं। एक मानवीय चेहरा, पुलिस का मानवीय चेहरा इस कोरोना कालखंड के अंदर जन सामान्य के मन में उभर रहा था, लेकिन फिर वो चीजें ठहर गई। ऐसा नहीं कि काम बंद हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने एक नैरेटिव बना के रखा हुआ है और जब नकारात्मक वातावरण होता है तो अच्छा करने की इच्छा होने के बाद भी उसका मन में निराशा आ जाती है। ऐसे विपरीत वातावरण में आप सब नौजवान तय करके घर से निकले हैं, आपके अभिभावक ये तय कर करके आपको यहां भेजा है कि कभी न कभी आप सामान्य मानवीय के हकों की रक्षा, सामान्य मानवीय की सुरक्षा की चिंता, समाज जीवन के अंदर सुख चैन का वातावरण बना रहे उसकी चिंता, सामान्य समाज जीवन के अंदर एकता और सद्भावना बनी रहे, हर कोई अपना जीवन बड़े उमंग और उत्साह का साथ यापन कर सके, समाज जीवन के छोटे मोटे उमंग उत्सव के प्रसंग बड़े आनंद और गौरव के साथ होते चले, इस भूमिका के साथ समाज जीवन में हम अपनी भूमिका कैसे अदा कर सके। और इसलिए अब सिर्फ कद काठी के आधार पर सुरक्षा बल देश की सेवा कर पाएंगे वो एक सीमित तक सही है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है जहां पर हमें ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। आज का जो जमाना है, परिवार छोटे होते गए हैं। पहले तो क्या था, पुलिस वाला भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करके थक करके घर जाता था तो एक बड़ा संयुक्त परिवार होता था, तो माँ संभाल लेती थी, पिताजी संभाल लेते थे, दादा दादी कभी घर में है तो संभाल लेते थे, कोई भतीजा संभाल लेता था, बड़े भाई साहब घर में है तो वो संभाल लेते, भाभी जी होती तो वो संभाल लेती थी, वो मन से हल्का हो जाता था और दूसरे दिन तैयार होके चला जाता था। आज माइक्रो फैमिली हो रहे हैं, जवान कभी 6 घंटे नौकरी, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 16 घंटे, और बड़ी विपरीत परिस्थिति में नौकरी करता है, फिर घर जाएगा, घर में तो कोई है ही नहीं, सिर्फ खाना खाओ, कोई पूछने वाला नहीं, माँ बाप नहीं है, कोई चिंता करने वाला एक अलग व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे समय स्ट्रेस की अनुभूति हमारे सुरक्षा बल के क्षेत्रों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है। परिवार जीवन की कठिनाइयां, काम करते समय करनी पड़ती कठिनाइयां, उसके मन पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है। ऐसे समय में स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी की ट्रेनिंग आज सुरक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हो गई है और उसके लिए ट्रेनर्स की आवश्यकता हो गई है। ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटियां जो हैं वे इस प्रकार के ट्रेनर भी तैयार कर सकते हैं जो शायद यूनिफॉर्म के काम में नहीं होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म वालों को मन से मस्त रखने का काम यहां से ट्रेन होकर के लोग कर सकते हैं। आज सेना में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा टीचरों की जरूरत पड़ रही है। आज पुलिस बेड़े में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक वाले टीचर्स की आवश्यकता लगी है। ये दायरा भी रक्षा क्षेत्र का अंदर आएगा।